खादी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी की धरोहर कहा जाता है। भारत के कपड़ा कारोबार में खादी की भागीदारी 1% से भी कम है, लेकिन इसकी पहुंच 3 लाख से ज्यादा गांवों तक है। लाखों कामगारों और खास तौर पर महिलाओं को इससे रोजगार मिलता है। अब खादी एक बड़ा ब्रांड और कारोबार बनने की राह पर है। खादी पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। यह है भारत का सबसे बड़ा खादी भंडार, दिल्ली का खादी इंडिया भवन। चमक दमक में किसी भी शानदार मॉल को टक्कर देता हुआ, देश भर के चुनिंदा खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद यहां करीने से सजे हैं। 1955 में बने इस खादी भंडार में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम दिग्गजों के कदम पड़ चुके हैं। आज यहां देसी विदेशी खरीदारों की जुटने वाली भीड़ को संभालना 90 लोगों की टीम के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देने की लगातार अपील कर रहे हैं। इससे पुलिस, सेना, रेलवे, डाक और एयर इंडिया से लेकर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और प्रधानमंत्री दफ्तर में खादी का उपयोग बढ़ा है। एयर इंडिया की विदेशी उड़ानों में खादी किट का उपयोग हो रहा है, इस बढ़ोतरी की पुष्टि आंकड़े भी करते हैं। साल 2011-12 में खादी की बिक्री 967 करोड़ रुपए की हुई थी, जो 2014-15 में 1,170 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2015-16 में यह आंकड़ा 1,510 करोड़ और 2016-17 में 1,810 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2018-19 में 5,000 करोड़ रुपए तक के खादी बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 57,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। हमारे खादी के उत्पाद जितने भी तैयार होते हैं उनकी बिक्री के लिए संस्थाओं के आउटलेट्स के अलावा ये हमारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग का डिपार्टमेंटल सबसे बड़ा आउटलेट है। पूरे देश में जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ी रेंज, पूरे हिंदुस्तान के सारे प्रोडक्ट यहाँ उपलब्ध होते हैं, चाहे साउथ में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम राजस्थान से भी यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वूलन के यहाँ पे उपलब्ध हैं, गुजरात से भी यहाँ बहुत अच्छे उत्पाद, पूरे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यहाँ खादी हो चाहे ग्रामोद्योग हो सारे उपलब्ध हैं। मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय का विजन है कि खादी को फ्रेंचाइजी की सुविधा पे भी इसको डेवलप किया जाए और मार्केटिंग फैसिलिटी ली जाए। खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने 7,000 से अधिक बिक्री केंद्रों को नया जीवन देने में जुटा है। कपड़ा कारोबार में खादी की हिस्सेदारी 3.35% तक बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों के अलावा अब जीन्स, टी शर्ट जैसे उत्पादों को खादी की श्रृंखला में शामिल कर युवाओं को रिझाने की कोशिश हो रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खादी उत्सव और समर कलेक्शन की शुरुआत की गई है। खादी की ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं। देश के अलग अलग इलाकों में नई दुकानें फ्रेंचाइजी के तहत खुल रही हैं। खादी में स्विच करने का एक मेन रीजन यही था कि इंडिया के लिए कुछ करना है। इट्स इको फ्रेंडली, इट्स बायोडिग्रेडेबल, इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट। इफ वी यूज दिस खादी प्रोडक्ट इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट। द प्राइसेस आर आल्सो, इफ वी कंपेयर इट विद अदर ब्रांड्स लाइक पैंटालून, शॉपर्स स्टॉप एंड ऑल, इट्स मच इकोनॉमिकल एंड बेटर एंड ऑफ बेटर क्वालिटी। एंड डिजाइन इज ऑसम, इट हैज मेनी डिजाइंस एंड नंबर्स ऑफ डिजाइन आर अवेलेबल, दैट्स टू विद क्वालिटी, सो वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी ओवर हियर। देश भर में खादी और ग्रामोद्योग की करीब 7 लाख घरेलू इकाइयां हैं। 10.25 लाख चरखे और 1,51,000 करघे खादी की जीवन रेखा है। खादी में 65% तक श्रम लागत आती है। खादी कामगारों की संख्या करीब 11 लाख है, लेकिन उनकी दशा आज भी ठीक नहीं है। यूं तो 1 अप्रैल 2016 से खादी सूत काटने वालों का मेहनताना 4 रुपए से बढ़ाकर 5.5 रुपए प्रति गुच्छा हुआ है और बीमा कवर देने के कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी हैं। खादी के क्षेत्र में डगमगा रहे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार नई नीति बना रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी खादी के विकास के लिए कई कदम उठे हैं। अब जरूरी यह है कि इन प्रयासों के साथ साथ खादी कामगारों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भी राज्य सरकारें कदम उठाएं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना से खास बात की और ये जानने की कोशिश की कि खादी के विकास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ग्लोबल मार्केट और विदेशी ब्रांड्स की होड़ के इस दौर में खादी और उससे जुड़े कामगारों के सामने क्या चुनौतियां हैं।
सर, खादी और ग्रामोद्योग ये दोनों ही सरकार के बहुत टॉप एजेंडे पर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कई जगह पर उन लोगों से अपील की, कई जगह आपने भी आपने आने के बाद बहुत सारे जगहों पर जो खादी की जो जो आउटलेट्स हैं उनकी तस्वीर भी बदली है, काफ़ी कुछ चेंजेज किए हैं। क्या ज़मीन पर इसका किस तरह का असर पड़ा है और क्या जो खादी की बिक्री है अगर आंकड़ों में की बात करें तो उसमें किस तरह का असर बदलाव आपके हिसाब से आया है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है लोगों से कम एक वस्त्र खादी का खरीदें और पहने, उसके बाद से देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। खादी को अगर हम आंकड़ों में बताएं आपको तो 2014 के पहले कि अगर आप 10 साल के आंकड़े अगर देखें तो खादी की ग्रोथ जो थी हमेशा 2.5% से लेकर 7.5% मैक्सिमम 8% की रही है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो खादी की ग्रोथ जो है 33% 34% हो रही है। पिछले साल 2016-2017 में खादी का सेल जो है 2005 करोड़ का हुआ है जो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 33% ज़्यादा था। इसी तरीके से 14-15 में जो है सेल 34% ज़्यादा रहा है जो 1510 करोड़ था। तो खादी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी अक्सर खादी के बारे में मन की बात या किया है कई अन्य कार्यक्रमों में बोलते रहते हैं जी। सरकार के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने खादी को अडॉप्ट किया है जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। रेलवे खादी को पूरी तरीके से अपनाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑर्डर पास करके उनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उन सबको कहा है कि वो खादी और खादी के प्रोडक्ट ही लें। उसका बहुत बड़ा असर हुआ है कि वो करीब 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। एयर इंडिया जो है बहुत बड़ा ऑर्डर हमको देती है जो उनकी ट्रैवल किट होती है फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ एक बदलाव जो आया है वो कॉरपोरेट सेक्टर में भी आया है। अगर आप देखें कुछ होटल्स हैं जिन्होंने खादी की ड्रेस को अडॉप्ट कर लिया है, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है यूनिफॉर्म को खादी में अडॉप्ट कर लिया है, तो बदलाव तो बहुत आया है। लेकिन जो इसके जो बैकबोन है जो बुनकर और कत्तिन जी, ये इनकी जो है माली स्थितियाँ काफ़ी ख़राब रही हैं, उनकी तरफ किस तरह का फोकस आप लोगों का रहा है? चरखा जिसकी कीमत जो है आज 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये का एक चरखा जो है एक पूरे परिवार को जो रोज़गार दे देता है। इसी तरीके से विलेज इंडस्ट्री के जो छोटे छोटे से काम हैं, जो हमारे यहाँ PMGP एक प्रोग्राम होता है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें 1,00,000 रुपये से लेकर 25,00,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है करीब 35% तक, उससे वो व्यक्ति जो है उसके घर पर ही एक छोटा सा रोज़गार कर सकते। तो खादी में ही वो शक्ति है कि जहाँ कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो वहाँ पर भी रोज़गार क्रिएट कर सकती है। तो सर ये और आगे क्या है, हम 2022 की बात हो रही है, आगे क्या विजन है सर, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हमने ये देखा कि विदेशों में भी आप इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कई इनिशिएटिव आपने उठाए हैं। देखिए खादी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है जी। हम लोगों का जो एम है, जो पिछले साल 2005 करोड़ का जो सेल था उसको इस फाइनेंशियल ईयर में जो है करीब 3,200 करोड़ तक ले जाना है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ के ऊपर ले जाना है जी। ये बात बहुत सच है कि कतिन और बुनकर की हालत कुछ समय पहले बहुत ख़राब थी जी। उनको काम नहीं मिलता था जी। वेजेस बहुत कम थे, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा है जी। आज हमारा कतिन और बुनकर जो है 8 घंटे का काम पा रहा है जी। उससे उसकी आय बढ़ रही है। उसके साथ साथ कमीशन ने 2 बार उनके रेट भी रिवाइज़ किए जो जी, कभी नहीं हुए थे। बहुत साल पहले जो रिवाइज़ हुए थे उसके बाद कभी नहीं हुए थे, ये अभी लोग रिवाइज़ किए। उसके साथ साथ जो एक अभी जो बहुत अहम कदम उठाया है कमीशन ने, हम लोगों ने प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन से जैसे रेमंड्स अरविंद मिल्स और ABFL जो अरविंद आदित्य बिरला ग्रुप है, उन सब से जो है एग्रीमेंट्स किए हैं। आज वो लोग भी खादी में उतर गए हैं, वो खादी हमसे परचेज करते हैं जी। और उसके बाद वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट में उतार रहे हैं।